الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة إقبال در الشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم बुजुर्गान मोहतरम और अजीज भाइयों, इस वक्त कुरान पाक की एक आयत शरीफा और एक हदीस पाक पढ़ी मैंने। अल्लाह ताला शान हो मुसलमानों को ये कुरान पाक में बात समझा रहे हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। ये कुरान की आयत का मैंने तर्जमा किया, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ। कैसे पता चलेगा कि शैतान ने हमको बहकाया? तो कुरान पाक ने एक थर्मोमीटर दिया है जिससे इंसान पता लगा दे कि ये जो ख्याल आया मेरे दिल में ये शैतान ने डाला। कुरान पाक की जो सबसे आखिरी सूरत है कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जरा जोर से पढ़ो ना मेरे साथ, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। ये मैंने इसलिए पढ़वाया ताकि आपको याद हो अल्लाह ताला इसमें क्या फरमा रहे। जब भी तुम्हारे दिल में बुरा वसवसा आए, बुरा ख्याल आए, तो समझ जाओ कि शैतान आ गया। ये थर्मोमीटर दिया इंसान को, रमजान के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल जो आया वो शैतान ने लगा। रमजान में तिलावत करते थे, रमजान के बाद तिलावत छोड़ी, ये ख्याल शैतान ने लगा। जिक्रुल्लाह में कमी आ गई, नवाफिल में कमी आ गई, ये शैतान ने ख्याल लगा। रमजान के बाद ईद होते ही घूमने फिरने निकल गए, और घूमना फिरना सिर्फ नहीं, उसके बहाने से होटलों में जाकर सीनाकारियां करना, शराब नोशी करना, बार और डिस्को की होटलों में लड़कियों के साथ नाचना गाना, ये सब हो रहा है। ईद के दिन से ही ये सब काम शुरू हो जाते, क्योंकि शैतान रमजान खत्म होते ही छोड़ दिए जाते। बुखारी शरीफ में हदीस आई जा रमजान, जब रमजान शुरू होता है फुतिहत अबवाबुल जन्ना, जन्नत के सारे दरवाजे रमजान में खोल दिए जाते हैं, इसलिए कि मुसलमानों की नेकियां बहुत ज्यादा ऊपर जाती है। वगुल्लकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए कि मुसलमानों के गुनाह जाते नहीं ऊपर, और जाते हैं तो बहुत कम। और आगे फरमाया सुफिदत शयातीन, और रमजान में शैतानों को बंद कर दिया जाता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि रमजान के बाद शैतान खोल दिए जाते हैं, वो ईद की रात से ही अपने फितने शुरू करते हैं।
शराब पीने को याद दिलाएगा, जुआ खेलना, होटलों में जाकर गुनाह करना या आम माहौल में जाकर गुनाह करना, ये शैतान पूरी ताकत लगा देते हैं। किसी को खेतीबाड़ी याद दिलाता है, प्रोग्राम पेश करता है, शैतान के भी प्रोग्राम्स, दुकान, फैक्ट्रियां, धंधे, बिजनेस, वो सिर्फ प्रोग्राम पेश करेगा दिल में लाकर, ताकि देखो ये सब कारोबार है, नमाज तो आप बुढ़ापे में भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ने का वक्त थोड़ी है, जब किसी काम के न रहो तो बुढ़ापे में पढ़ना, ये शैतान का फंडा चाल है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि कयामत के दिन जो 5 सवाल होंगे हर इंसान, हर इंसान किसी मजहब का, विमफने तशबाब, वो 5 में भी मेन सवाल होगा जवानी कहां गुजारी, उसका हिसाब ला, बुढ़ापे का सवाल नहीं हो भाई, जरा जोर से और जल्दी बोलो, बुढ़ापे का सवाल नहीं, बुढ़ापा और बचपना दोनों बराबर, बचपने में इंसान माँ बाप का मोहताज है और बुढ़ापे में इंसान औलाद का मोहताज है, ज्यादा बुढ़ापे सेंट्रल लाइन है नौजवानी, और उसी को हम लोग जो है आजादियों में गुजार देते हैं। अब उसका उसके अस्बाब तलाश कर रहे हैं कि रमजान के बाद मस्जिदें वीरान क्यों हो जाती, घर में औरतों के मुसल्ले वीरान क्यों हो जाते। हम लोग शैतान, खास खुलासा कुरान ने बयान कर दिया कि शैतान के जाल में तुम फंस जाते, कुरान ने उसका इलाज बताया कि उसका मुकाबला करो, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ, और दुश्मन कब बनेगा, बस एक ही रास्ता है, वो जो आपके दिल में बुरा ख्याल डाले उससे उल्टा करो, और अल्लाह ने इंसान को ताकत दी, भाई जरा सब मिलकर जोर से बोलो, ताकत दी है कि नहीं दी। वो आपको नमाज से रोके तो कहो कि 20-25 मिनट वक्त निकालना है, ये काम तो बाद में भी होता रहेगा, मैं गरीब हो जाने वाला नहीं हूं 20-25 मिनट, हर नमाज पर आदमी ये ख्याल डाले और ये सोचे कि मरने के बाद पहला सवाल नमाज का होगा, अल्लाह के सामने सजदे का होगा, और उस पर कब्र का अजाब भी होता है, मरने के बाद कयामत के दिन होगा वो अलग, कब्र में भी अजाब होगा, कब्र का अजाब घर वालों को नहीं बतलाते, ये उलमा जो है अतराफ में जो उलमा उनसे पूछ लो, मिश्कात शरीफ में हदीस आई, एक बार सहाबा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल कब्र वालों का अजाब नजर नहीं आता, सहाबा ने पूछा था अब सरासर, तो उस वक्त वही नाजिल हुई आसमानों से, और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर मैं कब्र वालों का अजाब घर वालों को बतला दूं तो फरमाया तुम मुर्दों को दफन करना छोड़ो, जरा जोर से बोलो तो मैं आगे चलूं, भाई मेरी बात समझ में आ रही है, मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे बाहर ही छोड़कर भाग जाओ, कब्र का अजाब अगर हम बतला दें, कब्र का अजाब होता है नमाज छोड़ने पर, रमजान के रोजे छोड़ने पर, हज फर्ज हो गया नहीं पढ़ रहा या देर कर रहा उस पर भी अजाब हो सकता है, जकात जिन जिन सालों में आप पर जकात वाजिब हो वो नहीं निकाली तो भी कब्र का अजाब होता है, भाई बहनों का हक मारा हो विरासत में तो भी कब्र का अजाब हो सकता है, झूठ बोलने पर, गीबत करने पर, तोहमत लगाने पर, शराब पीने पर, जुआ खेलने पर, हराम माल खाने पर, जो 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 गुनाह है उनके करने पर भी अजाब होता है, और अल्लाह के जितने हुक्म उसको छोड़ने पर भी अजाब होता है। सूदी कारोबार करना, ब्याज पर पैसे घुमाओ, ब्याज पर पैसे लो, ब्याज पर पैसे दो, कुरान में कहा है, पूरा कुरान पढ़ के देख लो, फअलमु बिहरमिन मिनल्लाहि व रसूलिह, जीना की सजा भी बहुत सख्त है, जहन्नम की आग, मगर कुरान ने जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं सूदी कारोबार कि अल्लाह और नबी का लड़ाई का चैलेंज है उन लोगों के साथ जो बैंक की लोन या ब्याज के कारोबार पर पैसे घुमा, आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ, बिलाखिर मार पड़े, ये मैं पूरी दुनिया में अल्लाह मुझे ले जाता है, ये अंकलेश्वर की मिसाल देता हूं, अंकलेश्वर एशिया में नंबर 1 GIDC है, भाई आप लोग तो इसी इलाके में रहते हो, जरा जोर से जवाब दो, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, पूरी थप्पड़ दे, अब जोर से नहीं बोले, मैं सही बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, भाई बोलो ना थप्पड़ गए नहीं पड़ गए, अरे भाई जोर से बोलो ना,
खाना नहीं खाया ऐसा लगता है। ये सब बंद हो गई, देख लो कैसे धूम धमाके के साथ चलती थी, ये सब सूदी कारोबार की बनिया। भाई अब तो जोर से बोलो, है कि नहीं है? अल्लाह की मदद कभी नहीं आई। आजकल इंग्लैंड अमेरिका के हालात इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है कि उनके सरों पर दीवा आ गया कर्जा, जो दुनिया की सबसे मालदार हुकूमत समझी जाती है। सूदी कारोबार की लानत हो, हत्ता के लेना देना तो दूर की बात, आप उसमें गवाह बनो, जैसे बैंक में किसी की लोन पास कराए उसमें गवाह बनो आप, वो भी गुनाह। और आपकी मजबूरी क्या है, वो दारुल इफ्ता में जाना पड़ेगा कि आपको इजाजत देते हैं, तो पहले आपको पूछना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग ले रहे हैं तो भी हम भी चलो, वो लोग तो जहन्नम में जाएंगे, हम भी जाएंगे। आपको दारुल इफ्ता फतवा देने वाले मुफ्तियों के पास जाना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बतानी पड़ेगी, क्या वो आपको कभी इजाजत दे सकते, फिर आप उनसे पूछ लो। तो कब्र का अजाब जो है वो हर आदमी को हो सकता है जब भी वो अल्लाह का हुक्म तो होगा। तो शैतान की जो चाल है ना, वो मेन है कि जवानी में आदमी को अल्लाह से दूर कर, बुढ़ापे में तो इंसान किसी काम का है ही नहीं, वो दीन की मेहनत भी नहीं कर पाता जो जवानी में कर सकता है, लिहाजा उसको इतनी ताकत लगानी नहीं पड़ती बुढ़ापे। अब का वो याद करे करने दो, मगर मेन जवानी का जमाना है जहां गुनाह करने की इंसान पे ताकत होती। और अब आप मुकाबला करो शैतान का, तो आप खरे मुसलमान कह रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लज़ी वसवसु फी सुदूरिन्नास, जो लोगों के में दिलों में बुरे बुरे काम के ख्याल और फितने डालता है, ऐसे खतरनाक फितने डालता है, और हम लोग समझ भी नहीं पाते कि ये शैतान ने ख्याल डाला। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, मस्जिद के बाहर फुटपाथ था, पुराने जमाने की मस्जिद थी, दीवार टूटने की तैयारी थी, टेढ़ी हो गई थी, और एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गहरी नींद में सोए हुए थे। ये वाकया सुनाऊं ताकि कुरान की आयत जल्दी से आपको समझ में आ जाए कैसे फितने करता और खूबसूरत जाल बिछाता है। रमजान के बाद दीवार मस्जिद की पुरानी थी, जल्दी गया शैतान उस बुजुर्ग के पास और उनको हिलाया, जल्दी जल्दी उठो। कहा क्या बात? अरे कहा बाद में पूछना क्या बात है, ये दीवार गिरेगी मर जाओगे। तो बड़े अल्लाह के वली थे, उन्होंने अपनी ईमानी ताकत से शैतान को पकड़ा। तो मैं मर जाऊंगा तो उसकी फिक्र मत कर, मगर मुझे नींद में से क्यों जगाया, मेरी नींद खराब। बाज लोगों में अकल ही नहीं होती, कोई जरूरी काम ना हो तो बिना वजह नींद में सोए लोग उठा ले, आदमी को गुस्सा आता। जरूरी हो तो उठाओ, जरूरी नहीं है तो मत उठाओ। जैसे किसी जगह आग लग गई तो आपको उन घर वालों को जगाना पड़ेगा, फर्ज और वाजिब हो जाएगा आपके ऊपर। जो काम बाद में हो सकता है तो इनको नींद पूरी कर लेने दो, उठाओ मत। वो बुजुर्ग गुस्से में आकर उसको अपनी ईमानी ताकत से पकड़ा, कहा तू बता दे तू कौन है, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। इंसानी शक्ल में आया, शैतान समझ गया, तो उसने कहा कि मैं शैतान। कहा क्यों आया था? कहा आपकी आपकी जान बचाने के लिए आया था। कहा तू मुसलमान की जान बचा ही नहीं सकता है, इसमें भी तेरा कोई फितना होगा, तेरा फितना क्या बता दे वरना छोड़ूंगा। अब सुनो जरा ध्यान से सुनने की बात, कैसे खतरनाक फितने, और हम लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, हम और आप क्या चीज है। शैतान ने कहा कि हाँ मेरा फितना था। कहा क्या फितना? कहा आपके आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे कानों तक पहुंची कि मेरी उम्मत के साथ शहीद है, वो हदीस सुना रहा है शैतान, ये जो अल्लाह के रास्ते में गया और रास्ते में इंतकाल कर गया, घर पर आने नहीं पाया, कहा वो शहीद। शैतान हदीस सुना रहा,
जो तालिब इल्म इल्म हासिल करने के लिए गया और इंतकाल हो गया रास्ते में या मदरसे पर, वो शहीद। नंबर तीन, जो पेट की बीमारी में मर गया, पेट की बीमारी में, का शहीद। औरत डिलीवरी में इंतकाल कर गई, वो शहीद। इंसान पानी भरने के लिए गया, पांव स्लिप मार गया और डूब गया, शहीद। मकान में था या दुकान और फैक्ट्री पर और आग लग गई, बाहर निकलने नहीं पाया और जलकर मर गया, तो शहीद। और सातवें नंबर पर शैतान कह रहा है कि आपके नबी की हदीस में है कि जो किसी जगह से गुजर रहा हो, सोया हो या बैठा हो और अचानक दीवार गिर जाए, मर जाए, तो शहीद। भाई जरा जोर से बोलो, तुम्हें आगे बात चलाओ, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। फिर शैतान कहने लगा कि मेरा फितना ये था कि ये दीवार गिरकर तुम मर जाओगे, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम शहीदों में लिखा, ऐसे ही मर जाओ। आप सोचो कितने खतरनाक फितने शैतान के। रमजान का चांद होते ही शैतान अल्लाह ने बंद कर दिए, तो अल्लाह ने रास्ते आसान कर दिए, सब मुसलमान मस्जिदें फुल कर दी रमजान का चांद होते, कोई धक्का मारने नहीं गया, जाओ मस्जिद भागो यहां से। भाई जरा जोर से बोलो, कोई धक्का मारता है? नहीं। शैतान बंद हो गए, उसके फितने बंद हो गए। और जहां ईद का चांद हुआ कि मस्जिदें गुल, देख लो उम्मत का हाल। और खुद अल्लामा इकबाल ने शेर में इस मंजर को खींचा कि ईद की रात से ये मजमा कहां चला गया, तो अल्लामा इकबाल ने नक्शा खींचा है, मस्जिदे मस्जिदे मर्सी खाहे के नमाजी न रहे, मस्जिदे मस्जिदे मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। शेर का मतलब समझा दो, अल्लाह में अकबाल कह रहे कि आज के जमाने का मुसलमान और सहाबे किराम दोनों में इतना फर्क है कि आज के जमाने का मुसलमान सिर्फ रमजान में अल्लाह को याद करता है और वो लोग हमेशा अल्लाह को याद करते हैं। ये फर्क है का सहाबे किराम जैसे सिफात के मुसलमान न, ये फर्क है का इसलिए मस्जिद बहरान हो। इसलिए मैं कहता हूं ना, आज के मुसलमान तो अब रमजानी भी बहुत कम रहे, पहले सब रमजानी थे। आपने देखा कि नहीं, 27वीं रात को मजमा होता है, उससे ज्यादा मजमा ईद के दिन होता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं तो ईमानदारी से जी हाँ कहो, भाई बोलो सही कह रहा हूं क्या? मालूम है कितना बड़ा मजमा रमजान में भी मस्जिद में नहीं है। हाई पैसा हाई दौलत, जबकि आज तक पैसों से किसी को दिल का सुकून नहीं मिला। दिमाग का सुकून तो मिलता है, ये गैर मुस्लिमों के पास बहुत दौलत है, तो उनको भी दिमाग में सुकून है कि अपने पास पैसा है, किसी मोहताज नहीं किसी, वो तो काफिर के पास भी है दिमाग का सुकून, मगर अंदर से दिल मड़ा हुआ है। कुरान कहता है दिल जिंदा हो ये असली सुकून है। कुरान ने कहा इसी बात को, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जरा जोर से बेशक बोलना, धीमे से मत बोलो, ये तो दोबारा आऊंगा नहीं है। अल्लाह फरमा रहे उसमें हाँ में हाँ मिला, अल्लाह फरमा रहे दिल का सुकून तो अल्लाह की याद से मिलता है। दिमाग का सुकून तो काफिरों के पास भी, मगर दिमाग के सुकून से आप कभी भी आपको राहत नहीं मिलेगी। दिल का सुकून होगा ना, फिर आपके पास पैसा भी नहीं होगा, पैसा होगा तब भी सुकून, और पैसा नहीं होगा तब भी सुकून, और वो अल्लाह की याद से मिलता है, गुनाहों से बचने से मिलता है, अल्लाह की गुनाहों से बचने से मिलता है। ये रतन टाटा देखा आपने, टाटा कंपनी का मालिक, उसके बारे में अखबार में एक इंटरव्यू छपा था, मेरे और आपके काम की चीज है और कुरान से ताल्लुक रखती है, मिसालों से बात समझ में आ जाती। 25 सवाल किए थे रतन टाटा को, जो टाटा कंपनी का मालिक, उसमें एक सवाल जो मेरे और आपके काम का उसको जिक्र करता, उसको पूछा सुदेशना चटर्जी ने कि आपके पास सब कुछ है, मैंने मान लिया, आपकी कंपनी दुनिया की कंपनियों से कोलैबोरेशन कर रही, आपके पास बेहिसाब नौकर है, कारीगर है, पैसा है, रेडियो टेलीविजन अखबार सोशल मीडिया में आपका नाम है, सब कुछ मान लिया मैंने, मगर ये बताओ हैव यू ए पीस ऑफ हार्ट, आपके पास दिल का सुकून है? भाई जरा जोर से बोलो ना, मैं इसलिए पूछता हूं ताकि मैं समझूं कि मैं आया हूं तो मुझे कुछ वसूल हो जाए, मुझे दिल को इत्मीनान हो आप मेरी बात समझ रहे हैं। जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? जी जी। कह रहा है दिल का सुकून है आपके पास? ये टाटा कंपनी के मालिक को पूछा, उसने कहा बाय गॉड, खुदा की कसम
मेरे पास नहीं है तो दिल का सुकून नहीं है। आगे उसने सवाल किया इंटरव्यूअर को, क्या ये कहीं खरीद कर मिला जा सकता है अगर मैं खरीदना चाहूं? देखा, तो उसने कहा कि खरीदा होता तो दुनिया की सारी कौमें खरीद ली होती। ये पैसेदार आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, समझा? उसकी मिसाल देकर उसको समझाया टाटा कंपनी के मालिक को, और एक मिसाल दी थी कि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा मालदार था जो वर्ल्ड में नंबर वन था, उसने पहाड़ पर गाड़ी ले गया और खुद ही गाड़ी से आत्महत्या कर। अब पैसों से सुकून नहीं मिलता, जरा दोबारा जोर से बेशक बोलो ना, अल्लाह की याद से मिलता। अभी आप मस्जिद में आए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए, ईमानदारी से कहना आपका एक हालत वो थी जिसमें आपका वजू नहीं था और फिर आपने वजू किया। दोबारा जोर से बोलो ना भाई, दिल में सुकून, वजू करने के बाद सुकून आया कि नहीं? फिर आप मस्जिद में आए, आपकी फैक्ट्री पर चाहे एयर कंडीशन चलते हो भारी में भारी भर कम, गाड़ियों में चलते हो, आपके दस्तरखान शानदार किस्म के हो, मगर ईमानदारी से कहो जो दिल का सुकून अल्लाह के घर में है वो बाजारों में है? बोलो भाई है, वो यही मिलेगा। आप जितने नेक कामों में आगे बढ़ोगे ना, इतना दिल का सुकून आता चले जाए। और ये आबाद है ना, ये आबाद। फिर कभी पैसे में या बिजनेस फेल गए, बड़े से बड़ा कर्ज आ गया, आदमी कभी सुसाइड और आत्महत्या भी करेगा, खुदकुशी भी करेगा। वो समझेगा कि मेरा दिल जिंदा है, मेरा दिल मरा हुआ नहीं। इसलिए मैं आज के मुसलमानों को कह रहा हूं कि हमारी सारी मेहनत जो है बदन पर हो रही है, और जो मेन है दरख्त और झाड़ की जड़ जिसको कहा जाता है, हम पूरा पानी मारते हैं बदन पर, यानी बदन पर मेहनत कर रहे हैं, हाई पैसा हाई दौलत। इसलिए अंदर का सुकून किसी को नसीब। करोड़पतियों को देखा मुसलमानों, अल्लाह की कसम, खाने के वक्त 5 मिनट सुकून से खाना नहीं खाते, इतने टेंशन लेकर चलते दुनिया भर। मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये समझाना चाहता हूं कि हमारी जो मेन गलती है वो ये है कि जड़ में पानी डालना चाहिए। आपके गार्डन में झाड़ खड़ा है, शानदार उसकी डालियां है, हरे पत्ते हैं, और आप जो है पाइप से उसके दानों पर पत्तियों पर पानी मारते रहे, दरख्त जिंदा नहीं रहे। दरख्त जिंदा रहेगा जब आप उसकी जड़ में पानी डालें। जरा जोर से बोलो ना भाई, कहां पानी डाले? जड़ में पानी डालने से ऑटोमेटिक तालियों में और उसकी नब्जों में पानी पहुंचेगा, दरख्त जिंदा रहेगा। और सिर्फ बाहर से पानी मारोगे ना तो जड़ में पानी नहीं पहुंचेगा, ये मरा हुआ रहेगा, फिर ये वैरान होगा, आपकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, आज भी दोबारा कह रहा हूं, आप करोड़पति नहीं अबजोपति बन जाए, मगर याद रखो दुनियावी तालीम के साथ और दुनियादारी के साथ पैसों के साथ जब तक आपके पास दीन नहीं होगा, जरा जोर से बेशक बोलो, दिल का सुकून कभी नहीं। ये खुदा का कानून है, वो हमारा पैदा करने वाला है। दिल का सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। सिर्फ जुमा जुमा नमाज पढ़ने से आप कभी कामयाब नहीं हो, बस इतना दिन जितने दिन आपने अल्लाह को याद किया उतना सुकून मिलता। इसलिए आप सुहासत के बारे में आता है, कान यज़कुरुल्लाह कुल्ल अहयानिन, हदीस में आता है आप सुहासत हर वक्त अल्लाह को याद करते। और अब याद करना कितना आसान है, अब वो तस्बीह लंबी हाथ में लेने की भी जरूरत नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह हाथ में आ गई, अब चलते फिरते दुकान पर फैक्ट्री पर ये हाथ में डाल, रात को सोते सोते भी इसको हाथ में रख। ये मुसब्बिहा है, अरबी में इसको मुसब्बिहा कहते हैं। मुसब्बिहा का माना तस्बीह को याद दिलाने वाली, और तस्बीह तो वो है जो आप पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभानल्लाह अलहम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिललाहिल अली अज़ीम सुभानल्लाह बिहम्दिही सुभानल्लाह अज़ीम, ये तस्बीह। और ये मुसब्बिहा ये होगी तो अल्लाह ये आपको याद करने का मजा है। और ये हजारों बार अगर आप पढ़ेंगे ना, आपके दिल में से जो काले नुक्ते लगे गुनाह के वो मिटते चले जाएंगे, कुरान की तिलावत से ज़िक्रुल्लाह से ये मिटते चले जाएंगे, और जितना मिटेगा वो उतना ही ज्यादा अंदर से सुकून आएगा। फिर चाहे दाल रोटी खाओ, नेमतें हैं अल्लाह की, खाओ कमाओ, कमाने से किसने रोका, दुनियावी तालीम से किसने रोका। हमारी जो शिकायत है मुसलमानों से कि दीन को नंबर दो पर रखा इसलिए मार पड़ रहे। आज जो इंडिया के मुसलमानों पर हालात है ना, वो सब गुनाहों की बुनियाद पर, जो भी हालात चल रहे तो भी मुसलमान गुनाहों से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं, हालांकि पूरी उम्मत पर हालात चल रहे।
ऐसे वक्त पर अल्लाह से और ज्यादा मदद मांगनी चाहिए, उसके बजाय लोग और आजाद हो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि रमजान के बाद शैतान छूट जाते हैं और वो हमें अल्लाह से दूर कर देते। दिल पर लो जो मैं बात समझाना चाहता हूं, अभी जवानी के जमाने में समझ में नहीं आई, मगर जब बुढ़ापे में दाखिल हो जाओगे और फिर कहोगे अल्लाह दोबारा जवानी दे दे, कोई डॉक्टर ने अपने घर के बाहर या अपनी मेडिकल के सामने, दवाखाने के सामने, ये बॉम्बे की हिंदुजा हॉस्पिटल क्यों ना, या दिल्ली की अपोलो क्यों ना, मुझे फाइव स्टार समझी जाती, किसी ने बोर्ड नहीं मारा है कि यहाँ जवान, यहाँ बुढ़ों को हम जवान करते हैं, ऐसी दवाएं हमारे पास। जरा जोर से बोलो ना, है किसी ने लिखा, या मरने वाले को हम जिंदा करते हैं। ये दो बीमारी का मामला अल्लाह ने अपने हाथ में रखा, आज तक किसी इंसान को नहीं दिया। और जोर से बेशक बोलो, अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाओ, कयामत तक बुढ़ापे और मौत का इल्म अल्लाह किसी को नहीं, आज तक नहीं। बंबई में डॉक्टर नीटू मालिके थे, 48 साल, सबक लोगों के हालात से, कुरान से ताल्लुक रखता है, 48 साल की उम्र थी, 10,500 ऑपरेशन किए थे हार्ट के। चालू ऑपरेशन में घर वालों को हार्ट चीर कर ऑपरेशन करते उनके हाथ में देते थे, ऐसी अल्लाह ने सलाहियत दी थी। अगर उनकी मौत कैसे आई मालूम है, हार्ट स्पेशलिस्ट थे, उनकी मौत कैसे आई, एक दिन वो गाड़ी चला रहे थे बंबई, और वो इंडिया का बहुत मशहूर डॉक्टर, उसको खुद को अटैक आया चालू गाड़ी, तो करीब के हॉस्पिटल में गए और वहां जाकर कहा कि मुझे अटैक आया है, आप मुझे जल्दी में दे दो, मगर उनको उस हॉस्पिटल में कोई जानता नहीं था। वो ये भी बोलने नहीं पाए कि मैं डॉक्टर नीटू मालिके हूं, मतलब वो मशहूर आदमी थे, बस उन्होंने जाकर ये अपनी शिकायत शुरू कर दी और कहा कि कोई आदमी होगा करते होता यूं करते करते देर हो गई और वो मशीन लगाया उससे पहले अटैक इतना भारी आया कि जान निकल गई। आखिरी जमाने में ईमान नहीं था ना, तो वो नास्तिक बन गए। ये मैंने उनके बारे में उनकी रिपोर्ट पढ़ी मैंने, नास्तिक। पहले वो अस्तिक थे, खुदा को मानते थे, मगर जब ऑपरेशन आया, एजुकेशन आया और दीन का इल्म नहीं था, तो वो आखिरी जमाने में बीमारों को यूं कहे, कोई बीमार आकर यूं कहे कि मुझे आपके हाथ से आपको जरिया बनाया खुदा ने, ऊपर वाले ने, तो वो भी वो पसंद नहीं करता, नहीं कोई ऊपर वाले ने आपको शिफा नहीं दी, आपने पैसा दिया और शिफा मैंने दी, वो यूं बोलते थे। भाई जोर से बोलो ना, शिफा देने वाला कौन, जरिया है, आप तो जरिया है। उधर से जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा आपको शिफा कभी नहीं मिलेगा। उनका खुद का मामला घोष में आ गया और वो जान तोड़ दी 48 साल की उम्र। अगर इंसान के हाथ में रूह की जानकारी हो डॉक्टरों के पास तो बहुत अच्छा। ये फकीर जितने भी सोए हैं फुटपाथ, वो बेचारों को कब से रवाना कर देते डॉक्टर, मालदारों के अंदर जान डाल देते और गरीबों को रवाना कर देते, मगर इंसान के हाथ में नहीं। और मौत का मसला भी इंसान के हाथ में नहीं रखा, हदीस में आया है कि बुढ़ापे का इल्म अल्लाह ने किसी इंसान को नहीं दिया, और मौत ये दो का इलाज अल्लाह ने अपने पास रखा। इसलिए कुरान पाक में भी और हदीस में भी है, बुढ़ापे का इलाज जन्नत में अल्लाह ताला ने रखा, वहां हर मुसलमान इंशाल्लाह, जरा जोर से इंशाल्लाह बोलो ना, जन्नत में जाना नहीं, हर मुसलमान जन्नत में जाए, जवान जो है बुढ़ापा जन्नत में नहीं आए। और हदीस में है कि जन्नत मौत को भी मौत आ जाएगी, जानवर की शक्ल में उसको जबा कर दिया जाएगा और मोमिन हमेशा जन्नत में रहेगा जहां उसको मौत नहीं है। मगर आज के मुसलमानों की ईमान की कमजोरी की बुनियाद पर ये जो शिकायतें हम बार बार करते हैं, उसकी बुनियाद ही है कि हम लोग ईमानियत पढ़ते ही नहीं, इसलिए हमारी औलादे हाथों से निकल जाए। लोग रात दिन एजुकेशन की तस्वीर पढ़ते हैं, एजुकेशन, मगर आप अधूरी बात क्यों करते हैं? एजुकेशन के साथ जोर से बेशक बोलो, अभी जन्नत पर कैसे जोर से बोलो, जन्नत में जाने का बहुत शौक है, करना कुछ नहीं, साथ जोर से बेशक बोलो, जब तक दीनी तालीम मजबूत नहीं होगी आपकी औलादे सही राह पर नहीं रहेंगी। स्कूलों में झूठ छोड़ने का कोई सबक नहीं पढ़ा, गीबत छोड़ने का कोई सबक, शराब छोड़ने का सबक, जुआ जो खेलते हैं उसके छोड़ने का सबब, उसका इलाज क्या, कोई नहीं बोला। माँ बाप की इज्जत क्या है, वो स्कूल मदरसे वाले नहीं पढ़ा, मैंने भी कॉलेज की है मुझे मालूम है। वो आपको ये नहीं बताया कि बड़ों की इज्जत किस तरह करना, छोटों पर शफकत करना, पड़ोसी कहा, जानवर कहा, यह आपको वो नहीं बतलाए? जरा जोर से बेशक बोलो, अल्लाह का दीन बतलाए। इंसान इंसान बनता है, सच्चा मुसलमान बनता है दीन पढ़कर, और हम लोग यही मार खाते हैं। इसीलिए लोगों को बुरा लगता है जब मैं कहता हूँ,
हम तो अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं। बहुत उलमा डरते हैं आप लोगों से, बहुत डरते हैं आप लोगों से। क्यों? वो इसलिए डरते हैं कि लोग हमारी बातें करेंगे। अरे हम एजुकेशन के खिलाफ कहां बोल रहे हैं? आपकी जो गलती वो बता रहे, एजुकेशन के साथ दीन पढ़ाओ। सिर्फ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के नाम पर बच्चों को मदरसों से उठा लेते हैं तो शिकायत करनी पड़ेगी, फिर वो बच्चे ऐसे ही निकलते हैं। दीन पढ़ाएगा तो सच्चे इंसान बनोगे, नहीं तो नास्तिक बनेगी होगा, नॉन बिलीवर इन गॉड, खुदा कोई नहीं मानेगी। ये कायनात पूरी की पूरी एक अल्लाह की है, इसका कोई दूसरा मालिक नहीं। हमको इस्तेमाल करने के लिए भी, इसलिए टाइम पूरा हो जाएगा तो पूरी दुनिया को उठा लो। पिछली बार भी मैंने आपको एक साल पहले कहा था कि कयामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई और 20 किताबें मार्केट में छपकर आ गई उलमा की अरबी और उर्दू में। 20 किताबें ये दज्जाल, ये 3-4 बरस में निकलने का पूरा चांस है दज्जाल। 24, 25, 26 ये उलमा की किताबें छपकर आ गई। किताब पाकिस्तान से किताब आई मुफ्ती अबुल बाबा साहब की, उर्दू में है, दज्जाल कब और कहां, आप पढ़ो उसको। उन्होंने चांद और सूरज का हिसाब भी अंदर मारा, असबाब के दर्जे में इतने बरस में दज्जाल निकलने का चांस है। और दज्जाल निकला तो अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से उतारे, फिर इमाम मेहदी का ज़ुहूर भी हो जाए और फिर सूरज पश्चिम से निकल जाए और तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। हर हफ्ते में अक्सरों बेशतर साइंसदानों के आर्टिकल अखबारों में आते हैं। साइंस वाले कह रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में जाने के लिए टर्न ले लिया, उसने ऐसे साइड कर लिया, और वो कह रहे हैं कि इसी रफ्तार से अगर वो चला रोज इसी रफ्तार से तो 2037 में पश्चिम से निकलने का पूरा चांस। अब आपको साइंस और कुरान को मिलाना पड़ेगा। साइंस वाले जो नजर आता वही अधूरी बात करते, वो अंदाजा बतला रहा है, मगर कुरान ने पूरी बात कही है कि जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा, जरा सब मिलकर आधी बात पूरी करो तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। कुरान में लिखा, फिर कोई कुरान में है कि कोई मुसलमान भी हमसे माफी मांगेगा हम माफ नहीं करते, और कोई गैर मुस्लिम नया कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ेगा उसके बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ के निकल गई, अब टिकट फाड़ के फेंक, हवाई जहाज उड़ गया, आप कोई काम कर। ये चीजें समझने की है। कयामत के दिन अल्लाह ताला मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा और हिसाब मांगेगा कि लाओ हमारा हिसाब लाओ, हमारा खाया हमारा पिया, जमीन हमारी, हवा हमारी, ये जो हम हवा से सांस ले रहे, ये साइंसदानों ने दी है कि अल्लाह ने पैदा की। बोलो भाई जोर से, अल्लाह ने, वो तो उसका हिसाब मांगेगा। आसमानों से पानी बरसाते हैं हमारे लिए, जानवरों के लिए उसका हिसाब मांगेगा कि तुमने वाटरवर्क्स के पानी का हिसाब दिया, हमारे पानी का हिसाब लाओ। हवा का हिसाब मांगेंगे, खाया जो पिया वो हलाल था कि हराम था, सबका हिसाब मांगेंगे। ये ग्राम पंचायत और तालुका पंचायत ऐसे नहीं बनी, ये आखिरत की याद दिलाने के लिए। ग्राम पंचायत तालुका पंचायत जिला पंचायत हमसे हिसाब मांगती कि मकान का टैक्स लाओ, जमीन का टैक्स लाओ, फुना का टैक्स लाओ, ये लाइट वाले लाइट का बिल मांगते, गैस वाले गैस का बिल मांगते। भाई जल्दी से जवाब दो, टाइम पूरा होने जा रहा है, 2 मिनट में बात जल्दी से खत्म कर दो। ईमानदारी से बेशक बोलो, अल्लाह को भी हिसाब मांगने का हक है कि नहीं? वो हमारा मालिक है, इसलिए कयामत का दिन रखा और अलार्म बजा दिया। आपको मैंने पिछले साल इसी मस्जिद में कहा था कि 200 के करीब जलजले और भूकंप हो रहे, अभी 250 के करीब हो गए। अभी मैं देख कर आया, अभी अपने घर पर 12:30 की बात कर रहा हूँ, 137 जलजले आज बता रहे पूरी कायनात। इस मस्जिद में आपको लास्ट ईयर मैंने कहा था, उसके बाद खतरनाक जलजला हुआ तुर्की और सीरिया में। जरा जल्दी से जवाब दो, हुआ कि नहीं हुआ? 1 लाख के करीब आदमी मार को फेंक दिया था। आप सलासन ने क्या फरमाया था? आपको दीन पढ़ना पड़ेगा, कयामत की निशानियां पढ़नी पड़ेगी कि क्या बतलाए। आप सलासन ने फरमाया झूठ शराब जुआ नाच गान धोखाबाजी लाच रिश्वत सुल जीनाकारी जब आम हो जाएगा। हाँ, कोई गांव खाली नहीं, लोग चुटकियों में जीनाकारी करते हैं, चुटकियों और जीनाकारी। तो जीनाकारी हजारों की तादाद में मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम हो, ये जो गैर मुस्लिम भी हो ना उसकी बुनियाद यही है। तुमने इंग्लिश मीडियम के नाम पर बच्चों को भेजा मगर दीन नहीं पढ़ाया तो गैर मुस्लिम कहते हैं कि खा पी के मर जाना ही ना, आज तक कब्र से कौन आया। वो यूं करके समझाते हैं आपकी लड़कियों को और मुर्तद करते हैं, और आपने दीन पढ़ाया नहीं, और जो दीन पढ़ी हुई आज तक किसी की जाल में नहीं फंसी। हाँ, उससे अगर गलती हुई है
तो उसने उसको कलमा पढ़ाया, दोबारा कलमा पढ़कर वो एक नेकी का काम किया कि उस लड़के को मुसलमान बनाया। मगर जिन्होंने दीन नहीं पढ़ाया उनकी सब की लड़कियां, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, सिर्फ गुजरात नहीं, गुजरात में भी बहुत लड़कियां गई, जिला भरूच और सूरत से भी गई, सब ईमान छोड़ के बैठी। और उसका जिम्मा माँ बाप पर होगा, अल्लाह आपको पूछेगा, जैसे हदीस में आता है कि बकरियां चराने वाले चरवाहे की जिम्मेदारी हर एक बकरी पर नजर रखना, जोर से बेशक बोलो, इस तरह औलाद को दीन पढ़ाने की जिम्मेदारी भी माँ बाप की, आपको पूछेगा। और ये बच्चा जो जहन्नम में गया तो माँ बाप को भी उठा के फेंक दे, ये होने ही वाला अगर जो हम अगर अभी अभी न समझ, यहां दीन साथ पढ़ाओ। इसलिए दुनियावी मालो दौलत कमाने के साथ भी दीन बहुत जरूरी, एजुकेशन के साथ भी दीन बहुत जरूरी। और जो अकलमंद लोग हैं आज भी दुनियावी तालीम के साथ बच्चों को दीनी तालीम दे रहे, नहीं दोगे तो वही अंजाम होगा जो लोगों के घर भी नस्लें बर्बाद हो जाएगी, नस्लें बर्बाद हो जाए। और अक्सर लड़कियों को एक बच्चा हुआ मुस्लिम लड़कियां जो हिंदू बनी, उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया, लात मार के फेंक दिया, तो जला दिया या कत्ल करके नहरों में डाल दिया, बाकायदा ऊपर से उनको इशारे हो रहे ऊपर से इस तरह जाल में फंसाओ। मगर हम लोग समझने के लिए तैयार नहीं। दीन का इल्म तो इतना पावरफुल है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि दुनिया के इल्म में कोई ताकत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये आपको बताएंगे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन है, ये स्कूल वाले आपको बतलाएंगे, मगर ये नहीं बतलाएंगे कि ऑक्सीजन पैदा करने वाला कौन है। जरा जोर से बोलो कौन है वो मदरसे वाले बतलाएंगे। आपका अधूरा काम मदरसे वाले पूरे करेंगे, आपको सच्चा इंसान मदरसे वाले बनाएंगे। और वो तालीम होगी, आप उलमा को बार बार बुलाओ, अलग अलग उलमा है, बहुत उलमा है आपके खरोड़ में अंकलेश्वर में, उनसे दीन सीखो, दावत तबलीग के काम में जुड़ो, तालीम में बैठो, घरों की तालीम जिंदा करो। एक हदीस या कुरान की आयत समझोगे ना तो बादशाह बन जाओगे, एक बार पढ़ो तो सही। आप खानकाहों के किसी बुजुर्ग पर जवानी के जमाने से बैठ हो जाओ तो जिंदगी जीने का मजा मिलेगा। पैसा तो काफिरों के पास भी है, तंदुरुस्ती और खूबसूरतियां काफिरों के भी पास है, यूरोप और अमेरिका में बहुत है हमसे ज्यादा, मगर बेशक बोलो, जोर से बोलो, ईमान और आमाल अल्लाह जिसे चाहता है उसे ही देता है। तो जो हमारी कमियां हैं, रमजान में हम अच्छे थे, रमजान के बाद बुरे हो गए शैतान के फंदे में आकर, तो हम जरूरी है कि हम शैतान का मुकाबला करें और दीन की तरफ आने की कोशिश करें। और ये सिर्फ नहीं कि जुमा में आ गए तो मुसलमान हो गए, जुमा में आए हैं तो असर की नमाज भी फर्ज है, मगरिब भी फर्ज है, ईशा भी फर्ज है, फजर की नमाज भी फर्ज है। आपको फजर के बाद आराम करना हो तो आप फजर बाद भी आराम कर सकते हैं। कल रात में सफर में से देर से आए तो फजर पढ़कर फौरन सो गए, अपनी नींद पूरी कर ली, मैं फ्रेश हो गया तो फजर बाद भी आराम कर। मगर हम लोग तो क्या करते हैं, रात को देर तक मोबाइलों में बैठे रहते हैं, मजलिसों में 2 बजे 3 बजे सोने जाए तो फजर की नमाज में बिस्तरों में करते। अल्लाह ताला पूछेगा हदीस में फजर की नमाज के बारे में कि मैंने तेरी हिफाजत, ये हदीस सुना रहा हूं, मैंने तेरी पूरे दिन की हिफाजत का वादा फजर की नमाज में रखा था, तूने फजर छोड़कर मेरी जिम्मेदारी को क्यों हटाया। आपकी जिंदगी में पूरे दिन में चैन ही नहीं आएगा जब तक आप फजर की नमाज के पाबंद नहीं। और फजर और असर जो पाबंद बनेगा, हदीस में आता है ये मुश्किल टाइम है, फजर सोने का वक्त, असर कामकाज का वक्त, कामकाज समेटने का वक्त, फजर और असर का जो पाबंद बनेगा हदीस में, अल्लाह ताला उसको 5 वक्त का पाबंद बना ही देगा। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा। जो मुश्किल टाइम का पाबंद बनेगा वो आसान टाइम का बन ही जाएगा, कुदरती है अल्लाह की तरफ से। मगर हम लोग फजर और असर के पाबंद ही नहीं बन पा रहे, उसके बनेंगे तो फिर उसके पाबंद होंगे। और कुरान कहता है जब नमाज के पाबंद बनोगे तो ये नमाज तुम्हें बुराइयों से रोके। आदमी को शर्म आएगी, आदमी नमाज पढ़ता हूँ ऐसे गुनाह करता हूँ, शराब पीऊ शराब पे चू ये काम करो मामला, आदमी नमाज रोजे के साथ अपने मामला के साथ किसी के 5 पैसे न खाए, विरासत का मसला हो कोई भी मसला, कदम कदम पर देखे कि अल्लाह का हुक्म तो नहीं टूट रहा, बंदों के हुकूम तो नहीं छूट रहा। और कुछ मसाइल है जिंदगी के तो उलमा के पास जाकर मशवरा करो। आज भी साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं, अल्लाह की कसम खाकर खुदा के घर में बैठकर कहता हूं, न कोर्ट आपके मसलों को हल कर सकता है अल्लाह नबी के इल्म के सिवा, बेशक बोलो कोई आपके मसाइल हल नहीं करता। उलझेंगे आप वहां जाकर, आपकी जिंदगी के मसाइल का हल आज भी कुरान पाक में मौजूद। अल्लाह ताला ये चंद बातें जो कही उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
मुझे वादा करके जाओ कि जैसे जुमा में आए जरा जोर से इंशाल्लाह बोलो, असर मगरिब इशा फजर जोहर सब में आई, और ये वादा करके जाओ कि कयामत करीब है, कि मेरे और आपके बाप दादा की दुनिया नहीं अल्लाह की है, अल्लाह की अमानत ये उठाने वाले चंद बरस में, हम उससे पहले पहले और अपनी मौत से पहले पहले दुनिया की हलाल कमाई के साथ साथ, मेरे अल्फाज याद रखना, दुनिया की हलाल कमाई के साथ, दुनिया के एजुकेशन के साथ, आखिरत की और मरने के बाद की और जन्नत के लिए जरा जोर से इंशाल्लाह बहुत जोरदार तैयारी करेंगे। और शैतान जो रमजान के बाद हमारे दिलों में बुरे ख्याल डालता है, एक बार और जोर से इंशाल्लाह बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो, दिल से बोलो कि हम शैतान का मुकाबला करके रहें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह।